नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज सैटरडे, हर सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हमारे साथ यहाँ पे गुरु जी जो आते हैं वो है किरण भाई ठक्कर, जिनको पापा के नाम से जानते हैं। और किरण जी आपका स्वागत करती हूँ, गुरु जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और जय गणेश जी। एस्ट्रोलॉजी सीरीज में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर एपिसोड में हम 10 से 12 क्वेश्चंस को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एपिसोड है उसमें सभी लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। वो हर सैटरडे को हम आपको, अगर आपका प्रश्न रह गया हो तो माफ़ करते हैं हम आपको, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं हो सकता है, तो माफ़ कीजिएगा आपका, लेकिन आपका प्रश्न का हम ज़रूर जवाब देंगे। आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करते हैं और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी सीरीज हमारी चल रही है, हम लाइव जन्माक्षर कुंडली प्रिडिक्शन करते हैं, गुरु जी यहाँ से प्रिडिक्शन करते हैं और आपको आपके बारे में बताते हैं, आपके भविष्य में के बारे में बताते हैं। अगर आपका कुछ मन में क्वेश्चंस है तो वो भी यहाँ से गुरु जी बताते हैं, कि अगर कुछ मुश्किल है आपको तो उसका सॉल्यूशन भी कैसे आएगा वो भी यहाँ से आपको जानने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा ये एक एस्ट्रोलॉजी सीरीज हमारी चल रही है, और साथ में ये क्वेश्चंस आंसर के बाद में हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं। मतलब जो गुरु जी यहाँ पे आए हुए हैं वो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे भी। तो जो भी सीखना चाहता है वो नॉट और पेट लेके बैठ जाए, ताकि ये खत्म हो जाए क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, तो आप ध्यान देके उसमें नोट कर सकते हैं। तो एक बात कहना चाहेंगे जी, जी गुरु जी, कि काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई रिजल्ट कब मिलेगा, काफ़ी के फोन आ रहे हैं जिनको उपाय बताया गया है, उनको जो उपाय बताया उनको फॉलोअप कीजिए जी। आपकी जो दिक्कत है वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी, आप टेंशन क्यों रहे, आप मंत्र दिए गए हैं या फिर जो भी आपको क्रिया दी गई है जी, वो निरंतर करते रहिए, चिंता मुक्त हो जाइए, हम आपके साथ बैठे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। तो मतलब कि विश्वास, श्रद्धा और धीरज, ये तीन चीज बहुत महत्व की है, ये आपको रखनी पड़ेगी, और जो गुरुजी बताते हैं उस पर ध्यान देके आपको उसको फॉलो करना है, तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आज हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं कि आज दवा खाई और अभी मुझे अच्छा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए भी डॉक्टर बोलते हैं 3 दिन तो आपको ये मतलब 3 दिन इसमें कवर होने में लगेगा, तो जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है, 100% आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है जी। हम बैठे तो गुरुजी बोल रहे हैं कि आपके लिए गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका जरूर सॉल्यूशन आएगा, तो आप बिल्कुल ही चिंता न करें और ध्यान दीजिएगा। तो गुरुजी आज हम क्वेश्चंस ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले राजकुमार माली जी का है, जिनका बर्थ डेट है 22 नवंबर 1991। समय जी, उनका समय है दोपहर 2:15 का है, और बर्थ प्लेस है उनका भिलवाड़ा, राजस्थान। बाईस ग्यारह 1991 दोपहर को 2:15 भिलवाड़ा जी, ठीक है। उनका मीन लग्न कुंडली आ रहा है, लग्न छठे स्थान में है जी। जो फिजिकल कुछ ना कुछ दिक्कतें देता रहता है, ये चीज उनको बताई गई है, बाकी काम में बिजनेस में काफी बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी आलस दिख रही है काम में, इसके कारण थोड़ा काम रुक रहा है, बाकी कोई कोई टेंशन नहीं। उनका क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि वो बिजनेस या जॉब में क्या करे, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी बेस्ट रहेगा और बिजनेस भी वो कर सकते हैं उसमें, तो कोई कौन सा बिजनेस करे, फास्ट फूड है जी, टेक्निकल कोई भी चीज है, सूर्य मंगल के साथ में टेक्निकल कोई भी चीज है,
कंप्यूटर का है और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा। फाइनेंशियल अच्छा रहेगा, सिर्फ गणपति पाठ या गणपति उपासना थोड़ी जरूरी है जी, बाकी ऐसा कोई चिंता। और उन्होंने वो भी लिखा है कि वो हाल में मतलब अभी वो प्रॉपर्टी का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करे या बिजनेस को उनको चेंज करना चाहिए। प्रॉपर्टी बिजनेस में उनको फायदा कम है, प्रॉपर्टी बिजनेस उनके लिए जितना फायदेमंद नहीं रहेगा जितना टेक्निकल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है, ये सब बिजनेस उनके लिए काफी अच्छा रहेगा जी। तो राजकुमार जी, आपको आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा और इनके लिए गुरुजी ने जो आपको कहा है वो जरूर कीजिएगा। और दर्शक मित्र, अगर आप भी आपके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हर सैटरडे को हमारा ये लाइव सीजन रहता है, उसमें आप सीरीज रहती है, उसमें आप हमें जरूर आपकी डिटेल्स भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9227645700 पे, तो आपको भी आपका जवाब इससे मिलेगा। दूसरा है अंकुर भाई, उनका बर्थ प्लेस उन्होंने नहीं लिखा है बट 4 जनवरी 1993। समय उनका 2:10 है और उनका क्वेश्चन है कि उनका बिजनेस में कैसा रहेगा। बिजनेस में अभी अच्छा होने की 100% गारंटी है, थोड़ा संयम रखना है क्योंकि शनि 10वें का मालिक होके वक्री हुआ है, जो भी बिजनेस में उनको थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बाकी और कोई चिंता का विषय नहीं है जी, वही उनके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, वो हर मंगलवार को चने की दाल और मिश्री शिव मंदिर में रखने का उनको बोलिए, 100-100 ग्राम रख के, काफी उनका प्रोग्रेस रहेगा उससे जी। अंकुर जी, आपको गुरु जी ने जो बताया वो उसी पे ध्यान दीजिए तो आपको जरूर आपको सफलता मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन है श्वेता तनवर जी, उनका बर्थ प्लेस है उदयपुर राजस्थान, उनका बर्थ टाइम है 7:10 मॉर्निंग 8 सितंबर 1994। उनका समय है सुबह 7:10 उदयपुर जी। और उनका प्रश्न है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में कितना स्कोप है उनको और कब तक उनको जॉब मिल सकती है। श्वेता जी, आपके बारे में गुरुजी बता रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम तो जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया कुंडली है, कोई टेंशन नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब 100% कर सकते हैं। एक ही है, राहु और गुरु का जो चांडाल योग बना है उसके लिए माताजी के मंदिर हर रविवार को जाना है जी। एक नारियल लेके जाना है, 250 ग्राम मिश्री लीजिए, कुमकुम और फूलों का हार हर रविवार को माताजी के मंदिर में रखिए, इतना करवाइए, बाकी बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं जी। श्वेता जी, आपको भी आपका जवाब मिला होगा। और बाकी ज्यादा अगर किसी को भी जानकारी चाहिए, ज्यादा आपको जानना है आपके बारे में, तो हम गुरु जी का नंबर आपको दे देंगे, आप जरूर उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरु जी कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल ही आप चिंता ना करें और खुल के आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताइए। दूसरा है मनीष कुशवाहा, जिनका बर्थ डेट है 14 फरवरी 1995। समय उनका समय है 7 PM शाम को 7 का है और वो है डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर धामगंजा सिटी से। और उनका क्वेश्चन है कि उनकी शादी कब होगी। मेरे ख्याल से ये कुंडली लास्ट टाइम आ गई है जी, शायद आया हुई है, मुझे भी ऐसा लगा। हाँ, ये कुंडली मैंने देखी उसी वक्त मुझे पता चल गया आ गई है, उनको पिछली बार समझा ही दिया था जी। सूर्य मंत्र और गणपति मंत्र पे
और सूर्य उपासना गणपति उपासना पे खास ध्यान दीजिए, उससे उनका काम सही होने की संभावना एकदम प्रबल है। और अभी योग चल ही रहा है उनका जी। ऐसा भी नहीं कि योग नहीं चल रहा, योग चल रहा है, लेकिन थोड़े पूर्व को ये कम पड़ रहे, उसके कारण थोड़ा गणपति उपासना पे ध्यान दे, काम हो जाएगा जी। गुरु जी ने बताया उसी तरफ से आप मंत्र पे ध्यान दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है सुमन सहानी, उनका बर्थ डेट है 20 अक्टूबर 1994 और उनका बर्थ प्लेस है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिटी, सिटी नहीं लिखा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। समय कौन सा लिखा? समय उनका है दिन में 2 बजे और उनका 4 क्वेश्चन से कानपुर ले सकते हैं सेंटर में उत्तर प्रदेश देखिए और यूपी मतलब इतना ही उत्तर प्रदेश ही लिखा है जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न उनका है कि सीए फाइनल में हूँ तो क्या इस बार मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ? हाँ 100% हो सकते हैं। उनकी कुंडली में एक 10वें स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण दोष आया है, वो थोड़ा उनके लिए चिंताजनक है जी। और हर शुक्रवार को चने की दाल मिश्री शिव मंदिर में रखे और हर रविवार को माता जी को नारियल सीफल नारियल मिश्री कुमकुम और फूलों का हार दे, इससे उनको काफी फायदा रहेगा। जो काम रुक रहा है उसमें काफी अच्छा फायदा है। और दूसरा क्वेश्चन से शादी कब होगी और उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब में कितने चांस है और लाइफ कैसी रहेगी, ये उनके 4 क्वेश्चन थे। शादी का योग भी चल रहा है, अभी धनु का गुरु चल रहा है तो अभी योग भी चल रहा है, लेकिन अभी 4.5 महीना का दिवस हो गए तो वो नहीं हो पाएगी, उसके कारण ये मई के बाद में गुरु जब कुंभ में आएगा तभी उनकी शादी का योग प्रबल होने वाला है जी। तो वो ध्यान दीजिए, उससे पहले शादी मत करिए क्योंकि 10वां गुरु अच्छा नहीं रहता है जी। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा और उस पर आप ध्यान दीजिए, ज्यादा आपको जानना है तो गुरु जी से डायरेक्ट हम संपर्क आपका करवा देंगे। दूसरा है शिवम सोपारी वाला जिनका बर्थ डेट है 8 मार्च 1997 समय, उनका समय है शाम को 6:25 से 6:35 के बीच में है, एग्जैक्ट उनको पता नहीं था तो उन्होंने ऐसे लिखवाया है और बर्थ प्लेस सूरत है। उनके 2 क्वेश्चन है जी, बोलिए। उनको एक्टिंग फील्ड में जाना है तो वो कैसा रहेगा और एक्टिंग के लिए क्या वो मुंबई जा सकते हैं? एक्टिंग फील्ड में जा सकते हैं लेकिन सफलता कम मिल रही है उनको, जो मेहनत कर रहे उसके हिसाब से कम सफलता काफी कम मिल रही है जी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब जाना चाहिए उनको कि सही है या नहीं? मेरे हिसाब से जावे तो सफलता थोड़ी मिलेगी, इतनी ज्यादा सफलता का योग नहीं है जी। बेसिकली इनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है तो एक्टिंग की बजाय वो प्रोडक्शन हाउस में ज्यादा दिमाग लगाएगा तो उनके लिए बेटर रहेगा जी। शिवम जी आपने सुन लिया होगा कि एक्टिंग फील्ड में आपको बहुत फायदा नहीं होगा, आप तो आप देख के आपका काम कीजिएगा, जा तो सकते हैं, आपके शौक है तो आप पूरा कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। और है पूजा जिनका नाम बर्थ डेट है 28 मई 1996 उनका बर्थ प्लेस है सूरत। समय, समय 1:45 का है दोपहर को। हाँ दोपहर को 1:45 सूरत जी। उनको भी जॉब में क्या करे, कौन सी जॉब करनी चाहिए, मतलब अभी वो टीचर है तो उसमें उनको उनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और टीचर में ही रहेंगे लेकिन खुद का क्लासेस स्टार्ट करें तो उनके लिए बेटर रहेगा क्योंकि जो उनके ग्रह है वो लोगों को सलाह देना उनको बहुत पसंद आता है जी। तो वही चीज अगर वो अपनी जो काबिलियत है उसको यूज करे और बच्चों को पढ़ाने में रहे बढ़िया रहेगा, लेकिन खुद के क्लासेस खुद के ट्यूशन क्लासेस
ये पढ़ाने में आप करेंगे तो उनको काफी अच्छा फायदा रहेगा। जी पूजा जी, आपने सुन लिया होगा कि आप जो कर रही है टीचर का काम, मतलब आप जो बच्चों को पढ़ा रही है वो आपके लिए सही है, लेकिन आप खुद का क्लास करें और पढ़ाइए, इसी में आप आगे बढ़ सकती है। और जॉब के लिए वो क्या करें, जॉब उनको करना चाहिए? नहीं, जॉब से बेटर ये अपना क्लास स्टार्ट करेंगे 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 100% करेंगे। आप जॉब की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी अगर ये आप करेंगे तो, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। और उनका योग भी चालू हो रहा है 2021 से जी, 2021 के फरवरी के बाद में ये 100% अपना खुद का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। पूजा आप जी, आप सुन लीजिए कि आप गुरुजी ने बताया कि 2021 में आपका अच्छा होने वाला है और आप जरूर क्लास स्टार्ट कर सकती है, कर देगी, ऐसा गुरुजी ने कहा है। और ज्यादा अगर आपको जानना है तो जरूर उनको पर्सनली आप मिल सकते हैं। दूसरा है प्रतीक, उनका है 3 मार्च 1991, उनका बर्थ प्लेस सूरत है। 3 और 3 91, हाँ जी, बर्थ प्लेस सूरत है और उनका जन्म समय है मॉर्निंग 6:40। और उनके दो क्वेश्चंस है कि उनको घर लेना है वो कब ले सकते हैं, और दूसरा उनका ब्रोकरेज का बिजनेस है लेकिन उसमें कुछ काम अभी चल नहीं रहा है, मतलब उसमें कुछ भी उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? मकान का तो उनका फरवरी में, उसके बाद में प्रबल योग बन रहा है जी। जब उनका शनि चंद्र के नक्षत्र में आएगा इजीली वो मकान ले लेंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या प्रश्न बोला आपने? और दूसरा उनका ब्रोकर का बिजनेस है लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करें? वो ही वो बिजनेस रखे तो उसमें वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ब्रोकर का बिजनेस, ब्रोकर का बिजनेस चलेगा लेकिन 12वें स्थान में शनि राहु का शापित दोष हुआ है जी, तो एक वो पूजा है वो उनको करवानी पड़ेगी जो उनकी वैल्यू कम करती है। अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही है जी, पेमेंट कम आ रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली है जी। एक शनि राहु जो शापित दोष है वो निवारण करवाइए, बढ़िया रहेगा। प्रतीक जी, आपने सुना होगा गुरु जी ने जो कहा उसी पे आप ध्यान दीजिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आज के हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी थे, और क्योंकि हमें जो एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। 12 राशि के लिए गुरुजी आज क्या कहेंगे गुरुजी, क्योंकि हर बार गुरुजी कुछ नया लेके आते हैं, सस्पेंस रहता है पूरा कि आज वो क्या सिखाने वाले हैं, और सब लोगों को भी इतनी उत्सुकता रहती है कि आज गुरुजी हमें क्या सिखाएंगे। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि मैम आप बताइए मुझे आज गुरुजी क्या सिखाने वाले हैं। मैंने बोला मुझे भी नहीं पता है, गुरुजी जब आते हैं बैठते हैं और जब वो बोलते हैं तभी पता चलता है मुझे नहीं कि आज गुरुजी ये सिखाने वाले हैं। तो जो सीखना चाहता है एस्ट्रोलॉजी वो जल्दी से आ जाइए। और गुरुजी आप आज क्या सिखाने वाले हैं? राशियों के बारे में थोड़ा बोलेंगे जी। जैसे राशि के बारे में ग्रहों का अधिपति बताया जी, हमारे शरीर पे राशि का प्रभाव दिखाया जी, राशि का स्वभाव दिखाया जी, और राशि का नेचर जो स्वभाव के साथ में वो कौन से तत्व पे उसकी पकड़ होती है वो दी आज बताने की कोशिश करेंगे जी। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का तत्व इसे क्या राशि का तत्व आज सिखाएंगे। हाँ जी, अगले एपिसोड में हमने सिखाया था राशि का स्वभाव, स्वभाव सिखाया, स्वभाव में भी थोड़ा 2-3 चीज ऐड करेंगे, उसका वर्ण आश्रम भी हम आज बताएंगे जी। जी बताइए। तो मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि बताई गई है जी, वृषभ राशि है पृथ्वी तत्व की राशि बताई गई है जी, मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि बताई गई है जी, और चंद्र की राशि है कर्क राशि वो जल तत्व की राशि बताई गई है। वैसे वापस वही आएगा सिंह राशि, वो भी अग्नि तत्व की राशि बताई गई है। कन्या राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि बताई गई है जी, और तुला राशि आएगी वो वायु तत्व की बताई गई है, और वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की बनाई गई है जी। वापस धन राशि आएगी वो अग्नि तत्व पे अपना प्रभाव डालती है, और मकर राशि आएगी वो पृथ्वी तत्व पे अपना प्रभाव डालती है जी।
और कुंभ राशि वायु तत्व पर अपना प्रभाव डालती है और मीन राशि वापस वही जल तत्व पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये तत्व के अनुसार राशि फल देती है। दूसरा, राशि के वर्ण आश्रम हमारे ऋषि मुनि ने बताया है, जैसे मेष राशि है उसको क्षत्रिय राशि बताई गई है, वृषभ राशि को वैश्य राशि बताई गई है, मिथुन राशि है उसको शूद्र राशि बताई गई है और कर्क राशि को ब्राह्मीण राशि बताई गई है। वैसे ही सिंह राशि है उसको क्षत्रिय राशि बताई गई है, कन्या राशि को वापस वो वैश्य राशि बताई गई है, तुला राशि को शूद्र राशि बताई, तुला राशि को सिंह राशि को क्षत्रिय, फिर आएगा वैश्य जी, उसके बाद में आएगा तो आज का मतलब ये जो राशि भविष्य मतलब जो राशि के बारे में गुरु जी एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, तो आज उन्होंने जो तत्व के बारे में बताया, लेकिन थोड़ी सी और राशियों का जो बाकी है वो एक अर्जेंट कॉल आया तो फिर कल करेंगे जी, उनको कुछ इमरजेंसी आई है तो अभी उनको जाना पड़ेगा, एक कॉल इमरजेंसी आ गया है उनका, तो आज के लिए यही करते हैं और नए एपिसोड में हम वापस मिलेंगे ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीरीज में, और आप नेक्स्ट एपिसोड में हम और अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। आज कुछ इमरजेंसी आ गई है, अभी आई है, जस्ट बातें कर रहे थे और कॉल आया है तो जाना पड़ेगा गुरु जी को। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ये हमें क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और हमें हमारे चैनल में लोग देख रहे हैं हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही वापस मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ, दूसरे सीरीज के साथ, दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो गुरु जी धन्यवाद आपका, जय गणेश, जय गणेश।